श्रावण मास महात्म्य 20वां अध्याय। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, आपके समक्ष अब त्रयोदशी दिन के कार्य को कहता हूँ। उस दिन कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करें। अशोक, मालती, पदम, देवप्रिय, कौसुंभ, बकुल तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिकता जनक द्रव्य और दूसरे वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण कर मुख रोचक पान दे। उस पान में शुभ चिकनी सुपाड़ी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, गिरी के अल्प अल्प टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने चांदी के तबक से लगे हो मघी पान, सफेद वर्ण के परिपक्व अधिक रोज के पुराने अच्छे रस युक्त हो, ऐसे पान को शंबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए दे। माक्षिक मलसार द्वारा निर्मित बत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि दे। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करे, हे भगवान, इस पूजा से सुप्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल 13 के दिन कामदेव अर्चित हो जाने से प्रवृत्ति मार्ग लंपट जीव को आप अत्यधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्ति मार्ग में लगे हुए निरत जीवी के कामरूपी विकार को हर लेते हैं। हे मानद, आपसे मैंने त्रयोदशी के कार्य को कहा, अब आप चतुर्दशी दिन के कार्य को सुनें। हे विप्र, जो अष्टमी के दिन आपसे देवी का पवित्र आरोपण कहा है, अगर उसी दिन न किया हो तो चतुर्दशी के दिन करें। देवी तथा विष्णु समान ही पार्वती का निर्माण प्रकार है, केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करें, बाकी विधि पहले के तुल्य ही है, फल आदि भी पहले के तुल्य ही है। हे मानद, ऐसा करने मात्र से मनुष्य अंत में कैलाश जाता है। हे वत्स, मैंने ये आपसे पूजा विधि कही, अब आप क्या सुनना चाहते हैं?